हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं टेक्निकल मनु जी, और आज आपको बताना चाहता हूं एक फ़ोन ओप्पो A53। A53 इसमें ब्लास्ट हुआ है। ये इस्तेमाल कर रहे थे जितेंद्र जी, जो करावल नगर दिल्ली में रहते हैं और पेशे से ऑटो चलाते हैं। ऑटो चला के घर पे लौट रहे थे काम से, और उनका फ़ोन उनकी फ्रंट पॉकेट में था, और वो चलते चलते ब्लास्ट हो गया जब वो जा रहे थे। और ब्लास्ट में उन्हें काफ़ी चोट आई है, उनका ऑटो पलट के उन्हें चोट काफ़ी आई है। ओप्पो, ये क्या हो रहा है? आपका जो फ़ोन ब्लास्ट हो रहे हैं तो बहुत गलत हो रहा है ये। उन्हें हरजाना इसका मिलना चाहिए। अभी टेक्निकल दोस्त उनके घर पे गए थे, तो उन्हीं के रेफरेंस से कुछ फ़ोटो मुझे मिले हैं, और उन्हीं फ़ोटो को मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन की हालत क्या हुई है। बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुआ, बैटरी वाला पार्ट पूरा फट चुका है। और उन्होंने ये वीडियो बनाई है, उसी के सपोर्ट में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी अगर यूट्यूबर हैं तो वीडियो जरूर बनाएं। ओप्पो को टैग कीजिए, ओप्पो इंडिया को मैं भी टैग करूँगा। तो टेक्निकल दोस्त जिनका नाम असली नाम हितेश कुमार जी है, उन्होंने उनके घर जाकर उनकी हेल्प की है, उनसे बात की है। उनकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उनकी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि औरों को पता चले ओप्पो A53 कितना हानिकारक हो सकता है। उनके पूरा पैर बर्न हो गया है जहाँ पर फ़ोन रखा था, और ऑटो गिरने से काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई उनको। तो आपने ये फ़ोटो देख ली होंगी, तो प्लीज़ आप भी अपने फ़ोन को थोड़ा सेफ जगह रखिए, ओरिजिनल चार्जर से चार्ज कीजिए। उन्होंने भी किया, ओरिजिनल चार्जर से चार्ज किया था, लेकिन फ़ोन पे कोई प्रेशर भी नहीं था, फिर भी वो ब्लास्ट हुआ है। तो ये फ़ोन कभी भी खतरा बन सकता है, थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल कीजिए और अपना ख्याल रखिए।